तो आज इंडियन बाइक जायंट सिटी की सिटी के अंदर आ चुकी है ग्रैनी। और क्या फ्रैंकलिन आज इंडियन बाइक जायंट सिटी गेम की सिटी को ग्रैनी से बचा पाएगा या फिर नहीं? तो फाइनली बहुत जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अपनी सिटी कल्याणपुर में आ चुका हूँ भाई। मैं बहुत टाइम से अपनी सिटी में नहीं आया, पूरे 10-20 साल बाद मैं अपनी सिटी में वापस आ रहा हूँ भाई। और ये देखो, ये सिटी ऐसा लग रहा है थोड़ी बहुत चेंज हो गई है भाई। और ये देखो, ये मेरी फॉर्च्यून लेजेंडर जिसको मैं 10-20 साल पहले यहीं पर छोड़ के गया था। और अब तो मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है भाई, मेरे पास पैसे की कोई कमी ही नहीं है। तो चलो यार, मैं जल्दी से अपने घर चलता हूँ क्योंकि मैं पूरे 24 घंटे का सफ़र करने के बाद अपनी सिटी में आया यार, और मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ यार। तो चलो भाई, मैं जल्दी से चलता हूँ यार अपने घर। तो चलो जल्दी से मैं अपने घर की तरफ चलता हूँ यार। और हाँ यार, जैसे हमारी वीडियो लगती है अभी तक, जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि हमारी इस वाली वीडियो का लाइक है मैं 25 लाइक्स का। आई होप आप सभी कंप्लीट करा दोगे। और हाँ यार, जिसने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन वाला बटन ऑल पर सेलेक्ट करना मत भूलना यार। तो चलो भाई, मैं जल्दी से अपने घर चलता हूँ। देखो भाई, ये है मेरा ओल्ड घर भाई, जहाँ पर मैं पहले रहता था। लेकिन जब मैं गया था ना, तब मैंने जब मुझे आने लगा था, मैं कल भी मैंने एक नया घर परचेज़ किया, वो भी ऑनलाइन मैंने पैसे ट्रांसफॉर्म कर दिए थे। इससे मैंने बहुत बड़ा नया घर बंगला लिया, सफ़ेद रंग का है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही बढ़िया और बहुत बड़ा भी है यार। और जल्दी से मैं चलता हूँ यार। और उसके पास भाई पुलिस स्टेशन भी, अगर कोई चोरी भी करेगा ना, सीधा पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड लगा दूंगा, पुलिस वाले उसकी बैंड बजा देंगे, तो फिर मेरी सेफ्टी भी होगी भाई। तो चलो भाई, जल्दी से अपने घर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वो देखो सामने जो आपको सफ़ेद रंग का बंगला दिख रहा, मेरा ही बंगला है भाई, कितना ही मस्त लग रहा है यार। लेकिन एक सेकंड ये किसके यहाँ पे दो सेम टू सेम घर है? एक सेकंड, ये घर शायद अटैच है, तो अटैच घर है, एक ही घर है ये। लेकिन ये घर है क्या या किसका यार? मैंने जिस डीलर से घर लिया उसको मैंने कहा भी था कि वहाँ पे कोई होना नहीं, वैसे उसने मुझे वीडियो ही बना के भेजी थी, उस पर कोई नहीं था। ये घर कब बन गया भाई? क्योंकि घर को बनने में भाई इतना छोटा घर है, फिर भी इसको बनने में 5-10 महीने तो लगने ही थे यार, कम से कम एक साल तो लगना था यार। लेकिन इतना जल्दी कैसे बन सकता है भाई? क्योंकि डीलर को मैंने कहा था वीडियो पे, जिसमें मेरा आसपास का सब दिखाना, उसने दिखाया था, इस वीडियो में यहाँ पे कोई घर नहीं था यार। ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पे घर पर जाकर मैं पूछता हूँ भाई, ये घर किसका है यार? आप सही सोचो कि इसको हटाने की क्या जरूरत है भाई, है हमें घर रहने दो। लेकिन भाई यहाँ पे मैंने अपना बहुत बड़ा गैराज बनाना है क्योंकि मैं बहुत अमीर हूँ भाई, मुझे बहुत सारी गाड़ियाँ, हेलीकॉप्टर, प्लेन लेने हैं, तो मैं खड़ी कहाँ करूँगा? तो इसलिए भाई घर के मालिक को कहता हूँ हटाओ यहाँ से घर यार, क्योंकि मैं बहुत बड़ा बिजनेस मैन हूँ, मैं कहता हूँ इसे हटाओ यहाँ से। लगता है यही है घर। चलो भाई जाकर मैं जल्दी से बेल देता हूँ घर की। तो ये देखो भाई, फाइनली मैंने बेल तो दे दिए, अब मैं सब्र करता हूँ, शायद वो बाहर आ रहा है गेट से। अरे ये कौन बुढ़िया? चलो बुढ़िया को छोड़ो, अभी मैं से पूछूँ। अरे ये आपका ही घर है? ये मेरा ही घर है। ये घर यार आप यहाँ से हटाएं क्योंकि आप ने अपना गैराज बचपन में कुछ बनाना है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो आप यहाँ से हटाएं। अबे बोल। अरे यार बुड्ढी को मैं कब से कह रहा हूँ कुछ बोल, लेकिन जब से मैंने सिखाया कि यहाँ पे मैंने कुछ बनाना है बोल ही नहीं रही यार। लेकिन इसकी शक्ल बड़ी खतरनाक है, जल्दी से मैं यहाँ से नोट वगैरह ही हो जाता हूँ, इसके लिए मेरी अच्छी बात होगी। तो फाइनली यार मैं अपने घर पे पहुँच चुका हूँ। चलो यार रात तक के लिए मैं ना सोच रही हूँ क्योंकि बहुत मैं थक गया हूँ यार। और ऊपर से बुड्ढी पता नहीं बोल ही नहीं रही थी, मुझे थोड़ी खतरनाक सी डरावनी लग रही थी यार, उसकी शक्ल देख मैं तो नोट वगैरह हो गया। तो चलो भैया मैं जल्दी से सो जाऊँ। गुड नाइट। तो फाइनली यार मैं अभी उठ चुका हूँ जिम करने के लिए यार, और क्योंकि मैं जिम नहीं कर रहा हूँ, मैं आप सभी को अपनी बॉडी दिखाती हूँ। और मेरा नाम क्योंकि फ्रैंकलिन है यार, चलो मैं आप सभी को अपनी बॉडी दिखाता हूँ यार। ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ बनियान में, क्योंकि शायद ऐसे तो आपको दिखी नहीं। तो फाइनली मैं बनियान पहन ली, और ये देखो अब तो आपको दिख रही होगी ना मेरी बॉडी, देख रहे हो? इससे बहुत खतरनाक, मैं रोज़ जिम करता हूँ इसलिए मेरी बॉडी इतनी खतरनाक है, ऐसे थोड़ी ना उतर मैं किस चीज़ क्या करूँ। ओ आइडिया, ट्रेडमिल पर रनिंग करता है क्योंकि मैं थोड़ा सा मोटा होने लग गया हूँ क्योंकि 10 साल से जिम नहीं की। लेकिन मैं वहाँ पर खाने का ख्याल रखता है, लेकिन फिर भी जिम कर लेता हूँ क्योंकि 10 साल से मैंने जिम नहीं की। तो क्या अपने कम करने के लिए जल्दी से रनिंग करता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगा मेरे पीछे कोई है, लेकिन यार मेरे पीछे तो कोई ना कोई नहीं है, मेरा वहम होगा। तो चलो यार अब मैं चलता हूँ यार, आज के लिए इतनी ट्रेडमिल पे रनिंग काफ़ी हो गई यार। तो चलो यार मैं जल्दी सो के सोता हूँ क्योंकि मैं निकलना, लोगों से पूछना है कि वो घर किसका है और वो वहाँ पे रहता कौन था, क्योंकि मैं समझ तो आई नहीं कौन था। तो चलो भाई जल्दी से सोता हूँ, मैं आप सभी से सुबह मिलूंगा। सो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है। चलो मैं जल्दी से कपड़े चेंज करके जल्दी से लोगों से पूछने चलता हूँ कि घर किसके है और वहाँ पे रहता कौन है भाई। तो चलो भाई जल्दी से अपनी फॉर्च्यून लेजेंडर है उसको मैं लेके यहाँ से निकलता हूँ भाई जल्दी से। ये रखो, ये रही भाई मेरी फॉर्च्यून लेजेंडर, कितनी मस्त लग रही है यार।
और यार थोड़ी गंदी भी होगी, इसको मैं धुलवाना भी है, इसको जल्दी धुलवाऊंगा यार, मैं परसों धुलवाऊंगा इसको यार, क्योंकि अभी मन नहीं कर रहा धुलवाने का यार। अभी मैं अपनी सिटी थोड़ी घूमता हूँ, लोगों से स्पेशली पूछता हूँ कि ये तो घर है किसका, ये रखो घर के बाहर दो लोग, और मैंने एक और चीज़ नोट की, घर के बाहर तो दो लोग हैं लेकिन यहाँ पे ज्यादा लोग क्यों नहीं घूम रहे यार, वैसे ही तो सब लोग ज्यादा गाड़ियों में घूम रहे। तो चलो इस अंकल से पूछते हैं इस पर। अरे भाई ये जो घर आप सब आपको दिख रहा है, ये घर में कौन रहता है? अरे इस घर में, अरे बोलो अंकल। अरे यार अंकल चुप हो गए, चलो आंटी से पूछता हूँ। ये आंटी मुझे ऐसा लग रहा है, आंटी को क्या पता पता हो यार, अंकल को तो पता नहीं। आंटी ये जो आपको सामने घर दिख रहा है, आपको पता है किसका है? क्या ये मेरा? अरे यार क्या यार, कोई मुझे बता नहीं रहा यार किसका घर है, कोई भी नहीं बता। चलो अभी और भी लोग होंगे यार इस सिटी में, चलो उनसे भी यार मैं पूछता हूँ कि यार किसका घर है, कोई बता नहीं रहा अभी। ऐसे इन अंकल और आंटी ने तो मुझे नहीं बताया यार, एक और आंटी यहाँ पे खड़ी हुई है, शायद इनको पता हो यार। चलो इन्हीं से मैं पूछ लेता हूँ यार, क्या पता इनको उस घर का पता हो, कहीं किसका घर। चलो इन आंटी से पूछता हूँ, ये आंटी रही यार घूम ही जा रही है बस। अरे आंटी आंटी आंटी। हाँ बेटा बताओ। ये कोई तो घर दिख रहा है, आपको पता है किसका है? अरे ये वाला घर। अरे आंटी बोलो। आंटी यार देखो, आंटी ने भी नहीं बोली यार, क्यों नहीं कोई बता रहा कि किसका घर है? क्या यार सब चुप क्यों हो जाता है, सब ये कहते हैं अरे क्या ये वाला घर, सब इसके ये कहने के बाद सब चुप हो जाता है, ऐसा क्यों यार? अगर अब मैं जो एक बंदे से अभी सिटी में बस एक ही बंदे से पूछूंगा, अगर उसने ना पता ना, मैं उसको पिस्टल दिखा के उससे पूछूंगा, वरना ऐसे तो लोग बताएंगे हाँ यार अपनी सिक्योरिटी के लिए मैं बहुत सारी गन लेके अपने साथ चलते, मेरे पास पिस्टल है, AK-47 है, RPG है, स्टिकी बॉम्ब है, भाई अपनी सेफ्टी के लिए तो रखना होगा। इतना मी बंद हो तो फिर ऐसा तो हो सकता है ना मेरे साथ, तो इसलिए भाई मैं अपना कुछ इतना रखता हूँ। अगर उसे नहीं पता सिर्फ पिस्टल उसे दिखा के, अगर नहीं पता उसको लगे कि फेक है तो उसे पिस्टल से उड़ा दूंगा मैं बंदे को, क्योंकि कुछ बता ही नहीं रहा यार, हद हो गया यार, बता ही नहीं रहा कोई, मतलब किसी तक कोई तो मिल जाए यार, कोई दिख ही नहीं रहा यार, कोई तो दिख जाए। वो देखो वहाँ पे एक बंदा खड़ा भी, इसी से पूछूंगा अब मैं, जल्दी से अपने फॉर्चुनर एजेंडा रोकता हूँ यार बंदे के पास। अब तो मैं इसी से पूछूंगा यार कि वो घर किसका है, वैसे ही से चलो पूछता हूँ। अरे भाई वो जो आपको सबसे बड़ा बंगला है ना, वो सफेद रंग का। हाँ हाँ भाई वो बंगला है। हाँ तो उसके सामने जो दो अटैच घर है वो पता है किसके? क्या वो दो घर? अबे कोई मुझे बता नहीं रहा, अबे बताओ मुझे जल्दी से बता दे, मैं तेरे पिस्टल से मार दूंगा। मैं नहीं मानता तेरे पिस्टल भी, तेरी भैंस की बता दे मुझे। अच्छा बता रहा बता रहा, वो घर एक ग्रैनी नाम की भूतनी का है। अबे क्या भूतनी, वो भी ग्रैनी नाम की? अबे तू कैसे बता सकता है? भाई मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, प्लीज मुझे मत मारो। अच्छा नहीं मारता तेरे, मैं सच बोल रहा हूँ, वहाँ पे सच में ग्रैनी नाम की भूतनी है। और मैं तुम्हें एक और चीज बताऊँ, जो भी वो घर हमेशा लेते हैं वो ग्रैनी बो नाम की बूटियों से हमेशा तंग करती है कि वो बंदा खुद ही घर छोड़ के चले जाता है, और उसको बहुत तंग करती है वो। अबे यार तू क्या सच कह रहा है, मैं तेरे पे भरोसा नहीं मानता। लेकिन प्लीज आप मेरे पे छोड़ दो, आप मेरे पे भरोसा ना मान, लेकिन प्लीज छोड़ दो, मैंने आपको बताया तो है ना। हाँ चलो ठीक है, बंदे को मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन यार मुझे इसी ने बताया यार, देखा मुझे ऐसी पिस्टल दिखानी चाहिए थी यार शुरू वाले बंदे को भी, यार ऐसे ही बताते लोग, लेकिन यार मैं नहीं इसकी बात मानता यार। वो मुझे याद है यार, कल जब मैं ना सोने से पहले मुझे मेरे दोस्त की कॉल आई थी कि भाई कल तो तेरे पार्टी रख रहा हूँ मैं, एक बिल्डिंग है जहाँ जिसके नीचे लिफ्ट लगी हुई, उससे ऊपर आ जाना, वहाँ पे हम पार्टी करेंगे और रात को 3 बजे पार्टी से फ्री करेंगे। तो आज मैंने पार्टी भी जाना है और पार्टी मस्त करूँगा यार, क्योंकि 10 साल से पार्टी नहीं किया अपने दोस्तों के साथ, और मैं अपने दोस्तों से इसी बहाने मिल भी लूँगा यार, क्योंकि मेरे दोस्त कह रहे थे हमने भी तुझसे मिलना है यार, और वो कह रहे सीधा पार्टी भी रखेंगे। तो चलो भाई जल्दी से मैं पार्टी में चलते हैं यार, आज तो पार्टी पार्टी करूँगा यार, और बहुत ज़्यादा मज़े मज़े के खाने होंगे, और वहाँ पे तो पिज़्ज़ा बर्गर यम 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 यार बहुत कुछ खाने के लिए होगा। तो चलो भाई जल्दी से चलते हैं। तो फाइनली यार मैं बिल्डिंग के नीचे तो पहुंच चुका हूँ भाई, यही है वो बिल्डिंग जिस पे उस मेरे फ्रेंड से बनाया भाई मुझे बुलाया। तो चलो भाई अब मैं आप सभी से बहुत देर के बाद मिलूंगा, तकरीबन 3 घंटे बाद मिलूंगा। तो चलो भाई मैं जा रहा हूँ, और मैं आप सभी से बहुत देर बाद मिलूंगा। तो फाइनली भाई पार्टी खत्म हो चुकी है, और रात के भाई 3:30 हो गए, मतलब 3:30 हो गए यार, थोड़ा आधा घंटा लेट हो गया, क्योंकि बातें करते करते और पार्टी करते करते लेट हो गया, 10 साल बाद जो मेरे यार इसलिए। तो चलो यार मैं घर चलती हूँ, क्योंकि बहुत लेट हो गया, और मुझे इतनी बुरी नींद आ रही है कि बस मुझे मन करे यहीं पे सो जाऊं, लेकिन भाई वरना गाड़ी ठोक दूंगा। और अगर शुक्र है यहाँ से बिल्डिंग ज़्यादा दूर, मेरे घर से बिल्डिंग ज़्यादा दूर नहीं है, अगर ज़्यादा दूर होती पता चला नींद में चले जाते, मैं कुछ ये कर देता। बेटे ओ बेटे मौज कर दी, हाँ मौज कर दी, वाह बेटे वाह। तो फाइनली यार मैं अपने घर पे पहुंच चुका हूँ, तो चलो भाई जल्दी से अपने घर के अंदर जाकर सो जाओ। और ये कि भाई मेरी गाड़ी थोड़ी सी थक गई यार, अब मुझे कुछ रिपेयर कराना पड़ेगा यार, ज़्यादा पैसे लगने वाले, लेकिन चलो छोड़ो भाई, बहुत पैसा है मेरे पास, पैसे का बहुत ढेर है भाई मेरे पास, तो ठीक करा लूँगा भाई से मैं जल्दी। तो अभी मैं फिलहाल अपने घर जाकर भी आराम से सो जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत गहरी नींद आ रही है, बस अब मुझे जगा नहीं जा रहा, बस अब मुझे सोना है यार, अब मुझे सोने दो। तो चलो मैं चला सोने, लेकिन एक सेकेंड
ये कौन है गाइस? ये तो वो ही पूतनी जिसका वो बंदा बता रहा था ग्रैनी नाम की। अब तो ये बची नहीं भाई, अब तो मैं आरपीजी छुड़ा दूंगा भाई। मेरे पास गन तो है ना, ये देखो कैसे दिखा रही है। अभी इससे नहीं मांगे, देखो आरपीजी, चलो इसे मारता हूँ। तो ये 1 2 3, लेकिन ऐसे कि नहीं तो गायब हो गई यार। कहाँ गई ये, कहाँ गई? ऐसे कि नहीं तो मेरे पीछे है, इसे मारो आरपीजी। ये फिर गुम हो गई यार, क्या है? अरे लगता है इस बार तो ग्रैनी चलेगी, लेकिन अगली बार मुझसे बचेगी नहीं यार। चलो बहुत ज़्यादा रात हो गई, अब मैं जल्दी से जाके सो जाता हूँ यार। ये रहा मेरा बेड, चलो जल्दी से सो जाता हूँ यार। और अब मैं आप सभी से सुबह मिलूंगा, तो तब तक के लिए गुड नाइट। तो फाइनली यार सुबह तो हो चुकी है और गुड मॉर्निंग। और मुझे अभी सुबह एक बाबा का पता है, चलो मैं जल्दी से उस बाबा के पास चलता हूँ। वो पक्का मेरे ऊपर से जो भूतनी जो पड़ी हुई है मेरे पीछे, भूतनी की आत्मा मेरे पीछे से उतार देगा भाई। पता नहीं कौन सी भूतनी मेरे पीछे पड़ गई है भाई हाथ धो के यार। अब तो आप वो बाबा ही मेरी मदद कर सकते हैं, तो चलो भाई जल्दी से चलते हैं उस बाबा के पास। और मुझे पता है बाबा का रहता है, जब मैं पहले पुराने वाले घर में रहता था ना, जब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, तो वो रोज आता था, कहता था भाई कुछ तो ले लो मेरे से किसी को घूम कर। तो चलो चलता हूँ। फाइनली मैं ओल्ड हाउस पे पहुंचने वाला, लेकिन यहाँ पे दिख तो नहीं रहा वो बाबा यार। तो देखता हूँ, वो देखो गाइस जरा वहाँ पे गौर से, वो दिख रहा है भाई, वो चले गया वहाँ पे बाबा, क्योंकि उसको पता है यहाँ पे कोई है नहीं, तो उससे कोई पैसा वैसा कुछ मिलने वाला तो है नहीं, तो इसलिए वो वहाँ पे चले गया भाई। अब मैं उधर ही जाना पड़ेगा स्पेशली, पहले तो नहीं दिखा, लगता है अभी अभी कहीं से आया है। तो ये रहा देखो भाई, ये रहे बाबा जी। चलो इनसे इनको वो कहता हूँ कि मुझे दे दो भाई कुछ, तो देखते हैं बाबा जी मेरे को क्या देते हैं। तो भाई ये देखो, ये रहे बाबा। अरे बाबा बाबा। हाँ बेटा क्या हुआ? अरे बाबा मेरे पीछे आपको पता है सबसे बड़ा वाला बंगला जो सिटी का वो मेरे लिए है। हाँ बेटा, लेकिन उसके सामने जो दो घर है ना, वो उसके अंदर एक भूतनी है जो मेरे पीछे पड़ी है भाई, उसको निकालनी है, उसके लिए उसको मारना है मैंने, तो उसके लिए कुछ उपाय बताओ। अरे बेटा उसके लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं है। अच्छा आपका हर चीज का उपाय बता दो मुझे, वरना आपको पिस्तल उड़ा दूंगा मैं। अच्छा तो ठीक है बेटा, बताता हूँ। एक मेरे पास ना घोस्ट राइडर बाइक है, जो कि आज बस दोपहर में आ जाएगी। दोपहर होने में सिर्फ बस कुछ ही देर बची है यार, तो बस कुछ देर में ना वो बाइक आने वाली है। तो तब तुम आ जाना, थोड़ी देर के लिए तुम वॉक कर लो यहाँ पे, क्योंकि तुम्हारा पेट लग रहा है सारा निकला हुआ, लेकिन बॉडी बिल्डर भी लग रहा है। शुक्रिया शुक्रिया तारीफ के लिए यार, लेकिन बस मुझे घोस्ट राइडर बाइक तो कितनी देर तक मिलेगी? बस कोई 1 घंटे तक तुम्हें मिल जाएगी। 1 घंटे तक यहाँ पे थोड़ी वॉक कर लो, मैं भी तुम्हारे साथ ही कर लेता हूँ वॉक। चलो ठीक है बाबा, ठीक है कर लेता हूँ यार आपके साथ थोड़ी देर वॉक यार। और पक्का घोस्ट राइडर बाइक मुझे मिल जाएगी ना? हाँ मिल जाएगी, बस तुम नहीं चलोगे बाकी चल जाओगे, और साथ 1 करोड़ भी मुझे चाहिए। चलो ठीक है, वो भी आपको ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ। ये मैंने फोन से आपको कर दिया ट्रांसफर, आ गए भी गए मेरे पास पैसे। ठीक है बेटा, अभी बस 1 घंटा रुको, वो बाइक आ जाएगी, तो चलो वॉक करते हैं दोनों मिलके। चलो ठीक है बाबा। अरे बाबा जी यार, आपने कहा था घोस्ट राइडर वो फायर वाली बाइक जो है वो 1 घंटे में आ जाएगी, 1 घंटा तो कब का हो गया? अरे बेटा घोस्ट राइडर बाइक भी कब की आ गया? वो देखो तुम्हारे पीछे आ गया, सॉरी वो देखो। अरे बाबा आप तो सच्ची में बाइक तो बहुत खतरनाक लग रही वाली फायर बाइक है, मैं तो लेके चला। अबे मुझे भी चला गया। तो चलो यार जल्दी से फायर बाइक को लेके चलता हूँ, और आज तो ग्रैनी दादी की तो मैं गुड्डी तोड़ दूंगा भाई। अब वो तो जब वो आएगी तो मैं उसे सीधा जला दूंगा इससे भाई, फिर तो वो जल के राख हो जाएगी। फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ अपने घर, और जल्दी से इसको मैं यहाँ पे पार्क कर देता हूँ यार। और मैं अब जाके सोच देता हूँ यार, क्योंकि मैं हमेशा सुबह 7 बजे उठ के बैठ जाता हूँ, और अभी यार सिर्फ आज सुबह के 10 बजे हैं। तो चलो अभी मैं जाके सो जाना यार, और रात के 3 बजे सीधा उठूंगा, ताकि वो ग्रैनी 3 बजे हमेशा आती है। तो चलो अभी मैं जाके सो जाता हूँ। सो गुड नाइट तब तक के लिए। तो फाइनली यार रात के 3 तो बज चुके हैं, और अभी मैं जाके भाई घोस्ट राइडर बाइक पे बैठ जाऊँ, क्योंकि ग्रैनी भी बस थोड़ी देर में आती होगी, और मैं जहाँ भी जाता हूँ ग्रैनी आ जाती है, तो पक्का वो यहाँ पे भी आ जाएगी। चलो देखते हैं ग्रैनी कब तक आती है भाई, देखते हैं कब तक आती है यार ग्रैनी। सेकंड भाई सामने तो देखो ग्रैनी फाइनली आ गई यार, अब तो ग्रैनी को मैं छोड़ूंगा। ये देखो जल्दी से मैं घोस्ट राइडर बाइक, उस पर आग लग गई भाई, फाइनली देखो यार उस पर आग लग गई, और ये देखो ये चल के भस्म हो गई। और उसी के साथ आई होप आपको ये मेरी स्टोरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर स्टोरी वीडियो पसंद आई तो जल्दी से लाजमी स्टोरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बटन और पर सेलेक्ट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर 11 के सो टिल देन गाइस, गुड बाय।